जी थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि इस बार इलेक्शन घर वालों के हाथ में दिया था, जनता के हाथ में नहीं दिया था, और थोड़ा सा अनफेयर भी लगा। अगर जनता के हाथ में होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं शायद यहाँ पे नहीं होता अभी। डिसीजन थोड़ा सा अनफेयर लगा कि इस बार के इलेक्शन घर वालों के हाथ में। मुझे ज़्यादा पता नहीं है बिग बॉस के पुराने सीजन्स के बारे में, बट शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। बट घर वालों के हाथ में इविक्शन अगर ऐसे ही होना होता तो फिर यार, तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ लोग जो ग्रुप बना के खेल रहे हैं वो जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको टारगेट करके निकालेंगे पहले। सुम्बुल का थोड़ा शॉकिंग लगा था। सुम्बुल और मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर किसी बात पे हमारी थोड़ी सी तू तू मैं हुई, बट मुझे लगा नहीं था कि वो नॉमिनेट करेगी। सौंदर्या का बहुत शॉकिंग था, कुछ चीज़ें जो सौंदर्या ने समझी नहीं उनकी वजह से उन्होंने नॉमिनेट किया। अर्चना का बहुत शॉकिंग था क्योंकि जब अर्चना दोबारा घर में वापस आई थी और प्रियंका, मैं और सौंदर्या उनको लाने के लिए थोड़ा लड़े थे, तो अर्चना ने उस टाइम पे बोला था कि मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं आप तुम तीनों को तो कभी नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट अर्चना से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था कि वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी धोखा दे सकती है। आई थिंक अगर आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो इन्जॉय करते रहो, किसी भी बॉन्ड को जस्टिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत है या कोई नाम देने की क्या ज़रूरत है। दो साल से हम तो जस्टिफाई करते आ रहे हैं कि हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट अभी सोच लो अपने आप जो भी सोचना है। मैं हर रिलेशनशिप में, इनफैक्ट माँ बेटे हो या माँ बेटी के रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कुछ चीज़ें बोली जाती हैं, हर रिश्ते में होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपकी, अगर आप बीमार पड़े हो और आपकी मॉम आपको बोल रही है कि बेटा आज आप रेस्ट करो, आप नहीं बाहर जाओगे, तो क्या वो डोमिनेशन है, क्या वो टॉर्चर है, वो केयर है? देखो क्या होता है, जिन लोगों की दोस्ती फ़ायदे के लिए होती है उन लोगों को दूसरों की दोस्ती समझ नहीं आएगी। बेस्ट मोमेंट जब घर से चिट्ठी आने वाला टास्क था और प्रियंका को वो चिट्ठी पढ़ने का मौका नहीं मिला था और मैंने उसके लिए एक ऐसी चिट्ठी पढ़ी थी, तो आई थिंक वो हम बेस्ट मोमेंट था। अपना चाहूँगा घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लग रहे हैं? प्रियंका के अलावा अगर बात की जाए तो उनके बाद कौन लग रहे हैं? मैं कैसे बोलूँ कि उसके अलावा कौन स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सब तो ग्रुप में खेल रहे हैं, ग्रुप में किसकी इंडिविजुअलिटी निकल के आएगी, किसकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी? एक इंसान नहीं है घर में जो ग्रुप में नहीं खेल रहा। छः लोगों की मंडली थी, उसमें से मैं और प्रियंका अलग थे, सौंदर्या, अर्चना वो लोग अलग थे, लेकिन हम दोनों को टारगेट करने के लिए वो भी मंडली में जाके मिल गए और पलटन बनाई। तो आप किसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे? फॉर मी, और एक्चुअली मेरे पास इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है, बट सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल फॉर ऑल। सही मुद्दे भी गलत पड़ जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यही बोलना था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्चना ने साजिद सर को उनकी गलत चीज़ों के लिए गलत बोला है, बाकी लोगों ने भी बोला है। ओके, प्रियंका ट्रॉफी जीतने वाली है तो सबको पता ही है, लेकिन इसके अलावा दो कौन हो कंटेस्टेंट होने वाले वो आप बता दीजिए। प्रियंका के अलावा कोई नहीं जीतने वाला। टॉप थ्री में आई थिंक शिव और साजिद सर होंगे, क्योंकि वो ग्रुप का एक पार्ट है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते रहेंगे आगे तक। थैंक यू, लवली टॉक टू यू। थैंक यू सर।